गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्ट्रेट लाइन के क्विक रिवीजन पार्ट में फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन कैसे निकाली जाती है, मतलब फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कैसे निकाली जाती है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाली जाती है। तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, सपोज हमने दो लाइन ली यहाँ पे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये हमारी पहली लाइन। ये हमारी दूसरी लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। हमने ये दोनों लाइन ले ली, लाइन वन और लाइन टू। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, अगर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इसमें इस टाइप की कंडीशंस बनेगी, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से एक पॉइंट पर, तब कंडीशन ये होती है, तब ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। जब ये कंडीशन होती है तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। तीसरी कंडीशन, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ये कंडीशन होती है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, टॉप पर होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, तो हम एक टाइम पर एक ही लाइन को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग की, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये कंडीशन होती है जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, और ये कंडीशन होती है जिसमें लाइनें हर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे के टॉप पर होती है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो हमें ये पॉइंट निकालना है, ये वाला। अगर दो पॉइंट, दो लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें पॉइंट निकालना है। जैसे ये लाइन हो गई L1, L1 इक्वल टू जीरो, और ये लाइन हो गई L2, L2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो इसको निकालने के और बहुत सारे मेथड हैं। पहला, हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, पर ये लेंथी मेथड है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तीसरा, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। और फोर्थ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और हम इसके बाद हम इसको, ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मैट्रिक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में कौन कौन से मेथड, एक तो मैट्रिक्स मेथड होता है, एक और एक होता है क्रैमर रूल, हम उनकी हेल्प से भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि जो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी, तो अगर हम निकालना चाहते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हमारे पास में, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये हमने जान लिया है कि भाई कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो क्या क्या कंडीशन होगी, और दो लाइनें पैरेलल होगी तो क्या कंडीशन होगी, और दोनों लाइन कोइंसिडेंट्स हैं तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो हमने जाना ये कंडीशन हम लिख लेते हैं, इसमें कोइंसिडेंट होती है लाइन, कोइंसिडेंट्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने जाना कि
कि इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस क्या होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। अब हम एक फैमिली के बारे में जान रहे हैं, तो सपोज़ ये ले लेते हैं हम लोग लाइन है, ये है लाइन और एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, तो ये हो गई L1, इसको मैंने नाम दिया L1 इक्वल टू जीरो, इसको नाम दिया L2 इक्वल टू जीरो, दो हमारे पास लाइन हो गई। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम यहाँ से इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइनें जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, जैसे ये हो गई, जैसे ये हो गई, जैसे और भी हो जाएगी, ये हो गई, जैसे ये हो गई, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइनें जा सकती है। तो बहुत सारी लाइनें जो जा रही है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, हमें वही निकालनी है। तो इसे ही बोलते हैं कि फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इतनी सारी लाइन्स हैं तो हम इसको क्या फैमिली बोल देते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है कि ये दोनों जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है L1 और L2, ये पेरेंट लाइन है, पेरेंट लाइन मतलब इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, तो ये दोनों क्या है, पेरेंट लाइन है, L1 एंड L2, या हेयर L1 एंड L2 आर पेरेंट लाइन, पेरेंट लाइंस L1 एंड L2 क्या है, पेरेंट लाइनें क्या हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइनें जा रही है वो बहुत सारी लाइनें हैं, इसलिए हमने उन लाइनों को फैमिली ऑफ द लाइन कहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए कैसे निकाली जाती है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। लैम्डा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब रियल नंबर, एक कॉन्स्टेंट है लैम्डा, इज ए कॉन्स्टेंट, पर रियल नंबर में आएगा ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स विच इज़ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अगर कभी भी बोले कि दो लाइनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम इस तरीके से, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम फैमिली ऑफ लाइन्स निकाल सकते हैं। पर सपोज़ हमको कोई एक ही लाइन के बारे में पता करना है, चाहे इसी लाइन के बारे में पता करना है कि ये लाइन है जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन जा रही है, तो आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और में दी जाएगी कि ये जो लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन जा रही है वो कहाँ से जा रही है, आपको X1 और Y1 पॉइंट दी जाएंगे कि वो कहाँ से आ रही है, वो भी पॉइंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यूनिक लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला पूरा फैमिली ऑफ लाइन के लिए है, ये फार्मूला पूरा फैमिली ऑफ लाइन के लिए है, और ठीक है ये पूरा फार्मूला किसके लिए, फैमिली ऑफ लाइंस के लिए। बट अगर हम चाहते हैं कि इसकी हेल्प से हम कोई यूनिक लाइन निकालें जो कि इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, तो हमें एक पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा कि वो लाइन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रही है वो लाइन किसी और पॉइंट से भी पास हो रही है, आपको ये भी दिया जाएगा। तो हम यूनिक लाइन निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। L1 क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, L1 इक्वल्स टू क्या है, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल्स टू जीरो, और L2 क्या है, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सीख गए कि हाँ दो लाइनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है और वो लाइन की इक्वेशन निकाली है और वो लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास हो रही है, तो हम फैमिली ऑफ द लाइन में से अकेली लाइन, यूनिक लाइन सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, वो इसी फॉर्मूले के थ्रू हो पाएगा, ठीक है। तो हम